नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पहली से दसवीं कक्षा तक के 40 लाख बच्चों को घर घर तक पहुंचाई जाएगी किताबें। आपदा प्रबंधन विभाग ने दी अनुमति। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के किताबों की होम डिलीवरी होगी। पहली से दसवीं कक्षा तक के बच्चों को सत्र 2021-22 की किताबें उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग को गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित न हो और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए किताब उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि किताब प्रखंडों तक पहुंच गई है। किताबों का बंटवाना SMC की जिम्मेदारी है और इसके साथ ही साथ पहले से 8वीं 9वीं और 12वीं के बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट भी किया गया है। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। बदल गया बैंक खुलने और बंद होने का समय। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। कई राज्यों ने लागू पाबंदियों में भी ढील देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। बैंक ने ब्रांचों के कामकाज के समय में बदलाव किया है। पहले जहां SBI की ब्रांच में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामकाज होता था, अब उसे 2 घंटा के लिए बढ़ा दिया है। अब बैंक की शाखाएं शाम 4 बजे तक खुले रहेगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बैंक ने कामकाज का समय कम कर दिया था, लेकिन अब कोरोना के डेली केसेस में कमी आ रही है। ऐसे में कामकाज का समय 2 घंटा और बढ़ा दिया गया है। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है। झारखंड में प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों का भरण पोषण करेगा झालसा। कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। कई ऐसे बच्चे थे जिनका माता पिता अपने बच्चों को पड़ोसी के हवाले कर अस्पताल चले गए, लेकिन लौटकर नहीं आए। ऐसे बच्चों की उचित परवरिश हो और बच्चे किसी गलत हाथ में ना चले जाएं। साथ ही ऐसे बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि झालसा ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब झालसा ऐसे बच्चों के जीवन यापन, पढ़ाई, चिकित्सा आदि के व्यवस्था करेगा। सोमवार को सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिवों के साथ बैठक के बाद झालसा ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया है। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों को अब 20 साल बाद मिलेगी नौकरी और पेंशन। झारखंड को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाए जाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी, उन्हें सम्मानित करते हुए अब राज्य सरकार नौकरी और पेंशन देगी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक अवकाश प्राप्त IAS अफसर की अगुवाई में एक आयोग बनाए जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। खास बात यह है कि इस आयोग में वनांचल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ देने बाबत आयोग का नाम दिया जाएगा। यह आयोग की तारीख से 1 साल के भीतर ही लाभार्थियों को चिन्हित करेगा। सरकारी आदेश के मुताबिक झारखंड आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई या फिर जो लोग पुलिस फायरिंग या जेल में बंद किए जाने के दौरान 40% से ज्यादा अपहाइज हुए, उनके आश्रित परिजनों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सरकारी नौकरियां दी जाएगी, जो कि उनकी योग्यता पर निर्भर करेगी। इस आदेश के मुताबिक आप सबको बता देना चाहता हूं कि सरकार भर्तियों में 5% आरक्षण आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए रखेगी, लेकिन यह केवल एक बार ही भर्ती में मान्य होगा। इस योजना का लाभ आंदोलनकारी की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा बहू, पति, नाती, पोते आदि ले सकेंगे। इसके साथ ही जीवित आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए सरकार उन्हें मासिक पेंशन देगी। जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा जेल में काटे थे उन्हें 7,000 रुपये, 3 महीने से कम समय के लिए जेल जाने वालों को 3,500 रुपये और 3 से 6 महीने तक जेल में रहने वालों को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। झारखंड के CM हेमंत का बड़ा फैसला। रिटायर्ड होने वाले डॉक्टरों की 6 माह के लिए बढ़ाई गई सेवा अवधि। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सोमवार को राज्य सरकार ने बताया कि महामारी के दौर में रिटायर होने वाले चिकित्सकों की सेवा को विस्तार करने का फैसला लिया गया। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था राज्य के निवासियों को उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया है। राज्य में चिकित्सकों की कमी है, ऐसे में कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु राज्य सरकार ने पदस्थापित वैसे चिकित्सक जो मई 2021 से मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी सेवा लोक और राज्य हित में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना।
झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद हुई गर्जन के साथ झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। सोमवार को उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को यानी आज हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रांची, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा, जमताड़ा, गिरिडीह समेत कई जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा हो सकती है। 3 जून को भी ऐसे ही स्थिति रह सकती है। 4 जून को राज्य के उत्तर और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड विधानसभा की 20 समितियां पुनर्गठित, बसंत सोरेन और अनूप सिंह को मिली जगह। झारखंड विधानसभा की सभी 20 समितियों को अगले एक साल तक विस्तारित करते हुए पुनर्गठन किया गया। उपचुनाव के बाद निर्वाचित हुए विधायकों को भी विभिन्न समितियों में जगह दी गई। दुमका के विधायक बसंत सोरेन सरकारी उपक्रम समिति और बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह युवा एवं पर्यटन समिति के सदस्य बनाए गए। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मधुपुर उपचुनाव में विजयी हफिजुल हसन विधायक बनने से पहले ही राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। दूसरी ओर कुछ विधायकों ने समिति में शामिल होकर जन कल्याण कार्यों में भूमिका निभाने के लिए अवसर देने का भी आग्रह किया गया। इस कारण भाजपा के विधायक नीरा यादव को महिला बाल विकास समिति और बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद को निवेदन समिति का सदस्य बनाया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, कहा कि कोविड के कारण हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड के युवाओं के लिए मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएं। वैक्सीन का खर्च उठाने में राज्य असमर्थ है। 18 से 24 साल के लोगों का वैक्सीनेशन का खर्च लगभग 1100 करोड़ रुपया है। इसके अलावा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए 1000 करोड़ का खर्च अलग से संभावित है। आर्थिक तंगी झेल रहे झारखंड के लिए सीमित संसाधनों में से इतना खर्च करना काफी मुश्किल साबित होगा। इसके साथ साथ सीएम ने लिखा है कि वैक्सीनेशन ही महामारी नियंत्रण का उपाय है, इसलिए जरूरत के मुताबिक राज्य को वैक्सीन सप्लाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने पत्र में यह भी लिखा है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीकाकरण के लिए राज्यों पर वित्तीय जिम्मेदारी डाली गई। यह सहकारी संघ व्यवस्था के सिद्धांत के खिलाफ है। फिलहाल राज्य को जिस तरह से कम वैक्सीन दी गई उसके चलते वैक्सीनेशन अपेक्षा अनुसार नहीं हो सका। अब तीसरी लहर पर काबू करने के लिए वैक्सीन मिलनी ही चाहिए।